तो ये था हमारा Rozee.pk में प्रोफाइल सेटअप करने का तरीका। अब जब हमारी प्रोफाइल फुली सेटअप हो गई है तो हम देखेंगे कि जॉब्स को सर्च किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले डैशबोर्ड पे आप आ जाएं। हमारा प्रोफाइल में काम कंप्लीट हो चुका है। अब जॉब सर्च करने के लिए सबसे पहले आप इसके होम पेज पे आ जाएं। उसके बाद इसकी ये आपके सामने सर्च बार है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे जो आपके जॉब का टाइटल हो, डेवलपर, जिस भी फील्ड के लिए आप जॉब सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे एंटर कर दें। और ये देखें नीचे बहुत ही ज़्यादा उसने स्पेसिफिक कर दिया कि आप कौन किस कैटेगरी के डेवलपर है, मतलब आपको सी शार्प के डेवलपर है या वेब डेवलपर है। मैं सिलेक्ट करूँगा मैं वेब डेवलपर। उसके बाद यहाँ से आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस सिटी की जॉब दिखाई जाए। मैं चाहूँगा कि मुझे लाहौर की जॉब दिखाई जाए। उसके बाद मिन सैलरी इसकी कितनी हो, और मैं आपको अब ये प्रेफर करूँगा कि आपकी आप मिन सैलरी वो रखें जो आपकी मतलब कि जो आपकी करंट सैलरी हो, मतलब कि आप अगर आप कहीं पे अपनी जॉब कर रहे हैं तो आपकी करंट सैलरी बन रही है 20,000 या 25,000, जितनी भी बन रही है। अगर आपकी 25,000 करंट सैलरी है तो आप इसकी मिन सैलरी को 25,000 सिलेक्ट करते हैं। और अगर आप अभी कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे तो फिर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसकी मिन सैलरी को हमेशा 15,000, उससे ऊपर ना जाएं, उससे नीचे रहें। मिन सैलरी कम से कम सिलेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है, ताकि आपको जल्द से जल्द जॉब मिले। क्योंकि एक अगर कंपनी ने सैलरी कम रखी हुई है तो वो फिर उनकी रिक्वायरमेंट भी कम होगी, उनको सिर्फ और सिर्फ HTML वाला बंदा चाहिए होगा, तो वहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाए। एक दफ़ा आपको जॉब मिल जाएगी आपका प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हो जाएगा, और वो आपकी CV के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर आप एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप जो आपकी करंट सैलरी हुआ करे उससे ज़्यादा, उससे 5,000 रुपया ज़्यादा रख के जॉब सर्च कर लिया करें। यहाँ पे मैं अभी सर्च करूँगा 15,000 रुपये और सर्च कर दूँगा। यहाँ पे हमारे एडवांस ऑप्शंस भी थे, वो हमें आगे भी अवेलेबल होंगे। हम यहाँ पे अब ये सारे वो एडवांस ऑप्शंस थे जो यहाँ वहाँ पे हमें अवेलेबल होंगे। जब आप स्टार्ट में स्टार्ट करें, मतलब कि आपका एंट्री लेवल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से 1 साल तक इन तीनों को सिलेक्ट कर दें। मतलब कि 1 साल से ऊपर के सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, वो एक हाईली प्रोफेशनल बंदा होता है। जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो उसको अच्छा खासा काम करना आता होता है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मैक्सिमम 1 साल तक जाएं। और अगर आपका बिल्कुल ही एंट्री लेवल पे है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 1 साल को भी सिलेक्ट ना करें। लेस देन अ ईयर और फ्रेश, इन दोनों को सिलेक्ट करके जो जॉब्स आपके सामने आती हैं, क्योंकि इन जॉब्स का हमें फ़ायदा ये है कि हम जब इन पर अप्लाई करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमें रिटर्न कॉल आ जाए। अगर हम 2 साल वाले पे अप्लाई करेंगे ना, जब वो हमारी यहाँ पे जब भी हम किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो उसके पास हमारी ये प्रोफाइल का लिंक जाता है, वो हमारे उस पर लिंक पे क्लिक करके हमारी प्रोफाइल देखता है। उसको हमारी प्रोफाइल पसंद आएगी कि हमारा एक्सपीरियंस 2 साल तक का होगा, हमने इतना काम किया होगा, तभी वो हमें कॉल करेगा। उसके अलावा उसको हमें कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करें। और स्टार्टिंग में ये इसीलिए Rozee.pk और ये बाकी जो 5 साइटों पे जिन पे हम बात करेंगे ये बहुत अच्छी हैं कि इनमें हमारे पास फ्रेश की फील्ड भी अवेलेबल है, कि वो लोग जो 5 या 10 हज़ार पर जॉब दे रहे हैं, कि एक स्टार्टिंग इंटर्नशिप लेवल पे जॉब दे रहे हैं, हमें वो भी जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या सिलेक्ट किया। यहाँ पे मिन सैलरी से मैंने 15,000 रखी कि 15,000 तक भी अगर कोई जॉब दे रहा है तो वो मुझे पता चल जाए। यहाँ से अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक आपकी कैटेगरी यहाँ से बन रही है, मैं आपको कहूँगा कि आप ये जॉब टाइटल को सिलेक्ट ना करें, वो जो जॉब आ रही है वो ठीक है। उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आप अपनी सिटी में ही करें, आपको रीलोकेशन ना करनी पड़े। अगर आप विलिंग है रीलोकेट होने को तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मैक्सिमम 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर तक जाएं अगर आप इंटरनी लेवल पे हैं। अगर आप उससे ज़्यादा हैं, माशाल्लाह आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है या 5 महीने का भी एक्सपीरियंस है, कि आपने पीछे एक जो किया जो 5 मंथ तक है या 5 मंथ से मिनिमम 5 मंथ से ज़्यादा है, तो फिर आप 1 ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 1 ईयर को अनसेलेक्ट ही रहने दें। उसके बाद जॉब टाइप, इनको अनसेलेक्ट ही रहने दें। उसके बाद कैरियर लेवल, ये मैंने आपको बताया कि आप इसको एंट्री लेवल रहने दें अगर आपने पहले कभी जॉब नहीं की, और अगर आपने माशाल्लाह जॉब की हुई है तो एक्सपीरियंस पे कर दें, ठीक है। और जॉब करने का क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम आपने 5 मंथ तक जॉब की हो, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा यहाँ से एंट्री लेवल। आप इसको यहाँ पे आप इसको बजाय इसको अनचेक ही रहने दें, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस था वो हमने लेस देन 1 ईयर किया हुआ है, तो ये जॉब्स हमें सही ही नज़र आ रही हैं, ओके। उसके बाद इंडस्ट्री आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये भी मैं आपको कहूँगा कि आप स्पेसिफाई ना करें, हमें वैसे ही ठीक है। जेंडर भी आप रहने दें, क्योंकि हम इन पे अप्लाई करेंगे
ये चीज़ें हमें फिल करने की ज़रूरत क्यों नहीं है और ये क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि ये वो जॉब जो हमारे लिए सही है वो ला के आई है, और इनको फिल करने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इन पर अप्लाई करेंगे, हम इन जॉब के लिए सूटेबल है। आगे से फिर अब उनकी जॉब कंपनी की मर्जी है कि वो हमारी प्रोफाइल देखे, अगर उन्हें हमारी प्रोफाइल अच्छी लगती है तो फिर हमें वो रिकॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ जॉब सर्च करते वक्त क्या चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए कि हमने मेन सैलरी कितनी रखी है, वो जो हमारी मतलब कि प्रोफेशनली बनती है। उसके बाद सिटी अपनी सिलेक्ट कर ली है, ताकि ये ना हो कि हमें बलोचिस्तान की जॉब हमें लाहौर में मिल रही हो। साथ में यहाँ से एक्सपीरियंस, अगर आप एंट्री लेवल पे हैं तो फ्रेश और लेस देन वन ईयर, ये दोनों सेलेक्ट कर लें। फिर बाकी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 2 साल तक जा सकते हैं, मतलब 5 मंथ ऊपर तक की आप फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त के साथ साथ जब आप इस साइट को बार बार यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इनकी और भी काफ़ी ज़्यादा समझ आती जाएगी, और इस पर सर्च पे क्लिक कर दें। अब ये वो जॉब्स आ गई हैं जो हमारे लिए बेस्ट सूटेड है। अब आप इस पर किसी भी जॉब पे क्लिक करेंगे ना, तो ये साथ उसी पे साथ यहाँ पे जॉब को खोल देगा। मैंने यहाँ पे वेब डेवलपर की जॉब पे क्लिक किया, और अब बस मैंने इस अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, ये एक पॉपअप मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पे वो इसमें ऑटोमेटिकली जो मेरी प्रोफाइल की CV बनी थी ना, वो यहाँ पे ऐड कर दी है। इसीलिए किसी भी जॉब पे अप्लाई करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल को 100% सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपका न्यू अकाउंट होगा ना, हर एक मंथ में आप Rozee.pk पे, क्योंकि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप सिर्फ और सिर्फ 60 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये CV वही रहेगी जो आपकी प्रोफाइल की CV है, आप इसको एडिट कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो। हमने क्योंकि ये अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से सेटअप किया है, इसलिए हम वही रहने देंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर हम आपने डबल चेक कर लेना, क्योंकि ये वो फ़ोन नंबर है जिसके थ्रू वो कंपनी का एम्प्लॉय आपको कॉन्टैक्ट करेगा। और यहाँ से आप सिटी, ये सिटी का ऑप्शन किसी जॉब में होगा, उन जॉब्स में होगा जो मोर देन वन सिटी में उनकी कंपनी है। ठीक है, यहाँ से फिर आप इसको सिलेक्ट करके जिस भी जॉब अप्लाई में ये आ रही हो उसको सिलेक्ट करके जो आपकी सिटी हो, होम सिटी टाउन हो, उसको सिलेक्ट कर लें। ओके, उसके बाद आप ये नीचे वाला जो बटन है ना, ये ज़रूर प्रेस कर दें। ये क्या है कि इस तरह की जिस जॉब पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, अगर इस तरह की कोई और भी जॉब आती है ना तो काइंडली मुझे नोटिफाई कर दें। तो ये जब भी आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करने लगे, ज़्यादा बात है आप उसी जॉब पे अप्लाई करेंगे जो आपको लगा है कि हाँ मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ, तो आप इसको भी चेक करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये बिगनर स्किल्स, इंटरमीडिएट स्किल्स, एक्सपर्ट स्किल्स, तो आप देख सकते हैं कि स्किल्स यहाँ पे भी आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे क्यों कोई स्किल्स क्यों फिल नहीं हुए, ये इस वजह से कि इन्होंने जो स्किल्स भी मेंशन किए ना, इन्होंने मेंशन किया कि ये जो जॉब है ना, इसके लिए जो कैंडिडेट हो उसको AJAX आनी चाहिए, PHP आनी चाहिए, तो इनमें से कोई भी स्किल हमने अपनी प्रोफाइल में ऐड नहीं था किया। ठीक है, अगर आपने इनमें से मतलब अगर हमने PHP को अपने प्रोफाइल में एक्सपर्ट के तौर पर ऐड किया होता तो वो ऑटोमेटिकली PHP यहाँ पर टिक हो जाती और यहाँ पर एक्सपर्ट में ऐड भी हो जाती। अगर आप सोचते हैं कि जो आपकी प्रोफाइल में स्किल्स होंगे और उनमें से कोई इधर मैच करते हुए वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, और अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है और आपको लगता है कि हाँ मुझे PHP आती है, वो आपसे पूछेगा किस लेवल तक आती है, तो आप जो लेवल सेलेक्ट करेंगे वो ऐड हो जाएगी। और ये नेक्स्ट टाइम आप PHP इंटरमीडिएट ऑटोमेटिकली, अगर PHP किसी जॉब की स्किल रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आपका माशाल्लाह आपने काम करते रहे और आपका PHP में एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, तो आप उसको एक्सपर्ट लेवल में किस तरह लेके जा सकते हैं। यहाँ से गलती से इंटरमीडिएट में हो गया, आपने बिगनर में ऐड करना, तो आप इसको बिगनर में किस तरह लेके जा सकते हैं। आप इस स्किल पे क्लिक करें और ये देखें, इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, अगर ये क्या करता है, ये लेफ्ट साइड में से राइट में लेके जाता है। मतलब अगर कोई स्किल मैंने लेफ्ट यहाँ पे राइट में सेलेक्ट किया हुआ, मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये वो राइट साइड में से लेफ्ट साइड पर ले जाएगा। और अगर ये देखें यहाँ पे आ गया, और अगर मैं लेफ्ट साइड में उस स्किल को सिलेक्ट किया हुआ है फिर इस बटन को प्रेस करूँगा तो वो राइट बॉक्स में ले आएगा। ये इसका तरीका है। ठीक है, मैंने कहा मुझे इसका एक्सपर्ट लेवल तक की आती है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस बटन पर क्लिक किया, ये लेफ्ट से राइट में ले आया। उसको स्किल को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, वैसे मैं इसको दबाता रहूँगा। कोई स्किल्स ऐड करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर दें, और ये फिर आपको एक दफ़ा लास्ट टाइम दिखा देगा कि आप इस जॉब पर अप्लाई करने लगे हैं, आपकी ये वाली
ये आपने एप्लीकेशन दी है, ये आपने फ़ोन नंबर ऐड किया और आपने ये स्किल्स किए हैं कि ये स्किल्स मुझे आते हैं। आप स्टडी कर लें कि आपने सब कुछ सही दिया, अगर कुछ गलत हो गया तो आप उसको एडिट कर लें और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें। तो ये तरीका था कि आप Rozee.pk पे अपना अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, अकाउंट को सेटअप किस तरह कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को 100% एक्यूरेट किस तरह बना सकते हैं और बाद में जॉब्स को सही तरह सर्च किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि जॉब को सर्च करना बहुत मेन चीज़ है। अगर आपने सही जॉब को सर्च नहीं ना किया तो आपको उस जॉब से कॉल नहीं आएगी। जॉब को सर्च करना मेन चीज़ है और बाद में उस जॉब पे अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी Rozee.pk के मतलब। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि Mustaqbil.pk में अपना अकाउंट किस तरह सेटअप करना है और ये सारे प्रोसेस को हम Mustaqbil.com में करके देखें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। अगर इस वीडियो के मतलब आपको कोई भी सवाल हो तो काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।